सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह एयरपोर्ट की खासियत नहीं बल्कि किसानों का हल्ला बोल है। जेवर में एसडीएम की गाड़ी पर पथराव के बाद अब जेवर के किसानों का क्या सोचना है और अब किसानों ने क्या फैसला कर लिया है, चलिए रिपोर्ट दिखाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ग्रेटर नोएडा का जेवर, ये वही इलाका है जिसे किसानों ने जंग के मैदान में तब्दील कर दिया था। इस जंग की शुरुआत तब हुई जब किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची और किसानों ने उस टीम पर हल्ला बोल दिया। रातों रात किसानों ने अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया, तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। लेकिन वक्त के साथ किसानों का प्रदर्शन शांत हुआ और रात के अंधेरे में जेवर को जंग के मैदान में तब्दील करने वालों की तलाश में R9 टीवी जेवर के उसी इलाके में गया। इस वक्त हम रोही गांव के उसी प्राथमिक विद्यालय में हैं जहां किसानों ने कल धरना दिया था। यहां सारे जो किसान हैं वो दयानतपुर से यहां पर आए थे, काले झंडे लेकर बैठे हुए थे। फिर यहां प्रशासन की टीम आई थी कब्जा लेने और दोनों के बीच पथराव हुआ। किसान काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्से में थे अपनी ज़मीन को लेकर, अधिग्रहण को लेकर। यहाँ पर काफ़ी टाइम से धरना दे रहे थे और कल जब प्रशासन की टीम आई तो SDM गुंजा सिंह को भी चोट लगी और दो सिपाहियों को भी चोट लगी और आपस में पथराव हुआ। तो यही वो जगह है जहां पर काले झंडे लेकर जो है किसान धरना दे रहे थे, काफी आक्रोश था, काफी गुस्सा था। रोही में जहां किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला था, वहां काफी हद तक शांति थी। किसान प्रदर्शन करके जा चुके थे, लेकिन इस सब के बाद किसानों का अब क्या कहना है और सरकार के मुआवजे को लेकर किसान कितना संतुष्ट है, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए R9 टीवी की टीम गांव तक पहुंची, लोगों से मुलाकात की। इस वक्त मेरे साथ वो किसान मौजूद हैं जिन्हें मुआवजा मिल गया है, तो उन्हीं से जानेंगे क्या वो अपने मुआवजे को लेकर संतुष्ट हैं। आपको मुआवजा मिल चुका है, क्या आप इस मुआवजे से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं हम। तो जो कल रोही में हुआ जिस तरीके से, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं? जिनको मुआवजा नहीं मिला, नहीं लिया, जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया उन्होंने इसका विरोध किया है, और बाकी सब किसान संतुष्ट हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। और ये गवर्नमेंट ने जो ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ दिया है, इससे हमारे क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। हमें मुआवजा मिल चुका है, हम संतुष्ट हैं, पर हमारा कुछ पैसा पेड़ पौधान को रह गया हो, पेड़ पौधान को, और जो बोरिंग है और जो 5-5 लाख रुपया बालक जो हमारी सरकार ने ये देने कही है, ये भी हमारे को वो मुआवजा हमें मिल चुका। जेवर एयरपोर्ट पर मिलने वाले मुआवजे से कुछ हद तक किसानों ने संतुष्टि जाहिर की है और एक हद तक किसान सरकार की तरफ से मिले मुआवजे से खुश नजर आए। दूसरी तरफ इलाके के युवाओं की चंद शिकायतें भी सुनाई थी। एक तरफ युवाओं ने मुआवजे में मिले पैसों को कम बताया, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट बनने के बाद इलाके के विकास से खुशी भी जाहिर की। मुआवजा हमें दोगुना दिया गया है सर्किल रेट से। 2013 के कानून के अनुसार प्रशासन को और यमुना प्राधिकरण को 4 गुना देना चाहिए, लेकिन हमारे एरिया का, हमारे सभी किसान भाइयों को 2 गुना मुआवजा दिया गया है। और जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बनने जा रहा है, उससे आसपास के इलाके का बहुत विकास होगा और देश के लिए एयरपोर्ट एक दुनिया का 5वां नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा है। और जिन किसानों को मुआवजा मिल चुका है वो संतुष्ट हैं, और जो संतुष्ट नहीं है वो हाई कोर्ट जा चुके हैं। यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के युवाओं के उन्नति के लिए जो जयपुर एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट था, इसको देखते हुए यहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने जो प्रयास किया वो पब्लिक के ऊपर भरोसा करके किया, पब्लिक ने भी उनको पूरा सपोर्ट दिया। रही बात मुआवजे की, मुआवजा जो 2013 का अधिनियम था उसमें सर्किट रेट का 4 गुना था, लेकिन युवाओं के, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करते हुए उन्होंने कई चीज़ें की, कई चीज़ें और भी बोली, उन पर विश्वास रखते हुए यहाँ के लोगों ने मुआवजा उठा लिया।
जेवर में जमीन के अधिग्रहण को लेकर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनमें आज भी नाराजगी है, जो आज भी मुआवजे के मरहम से संतुष्ट नहीं है। और आज भी इलाके में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मुआवजा लेने के बाद भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। हाँ, मुआवजा मिल गया। जो चाहते थे वैसा मिला है या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, ऐसा नहीं मिल पाया। देखिए, उन्होंने अपनी शर्त रखी थी कि हर एक घर के लिए जो 18 साल से जो कम उम्र के जेक हुए हैं उनके लिए हम 5 लाख रुपए देंगे, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। और जो खेतों के अंदर वो थे पेड़ पौधे उनके भी नहीं दे पा रहे हैं, और जो ट्यूबवेल वगैरह हैं उनके भी नहीं दे पा रहे। 5 लाख वे मिलने चाहिए, जो 5.5 लाख हैं वे भी मिलने चाहिए, और जो ये वाके हैं पेड़ पौधा इनके हैं, बोरिंग इनके हैं, ये भी मिलने चाहिए, वे भी ना मिले। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कल जो हुआ रोही में, उस पर क्या कहना है? सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। रात के संग्राम के बाद जेवर में अब हालात काफी सामान्य हैं, लेकिन कुछ किसान अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हैं। युवा इलाके में होने वाले विकास से खुश जरूर हैं, लेकिन आज भी किसानों की एक जमात ऐसी है जो जमीन के सही दाम मांग रही है। लेकिन इस सब के बीच में किसकी मांग कितनी सही है, ये तो वक्त ही तय करेगा। तो आपने देखा, हमने किसानों की राय जानी, वहीं कुछ किसान जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी सरकार से और भी मांगे हैं। उन्होंने मुआवजा तो ले लिया है लेकिन वो संतुष्ट नजर नहीं आए। वहीं कुछ किसान ऐसे थे कि मुआवजा लेने के बाद वो संतुष्ट हैं और वो इस प्रोजेक्ट के हित में भी है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से काफी विकास होगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं फराह खान, R9 TV जेवर।